प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। ई क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी जो ये ई क्लास आपको भेजी जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, इसको आप रोज़ रोज़ जो है, यानी डेली जो है, आप इनको देखें, पढ़ें, सुनें। क्योंकि यदि एक साथ ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ी असुविधा रहेगी, सुनने में असुविधा रहेगी। इसलिए 15 मिनट के लगभग ये वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप कृपया इन सभी को जो है समय निकालें और इनको देखें। और आज हम जो नीति शतकम है उसी में ही जो हम कल पढ़ रहे थे उसी को ही हम जो है आगे बढ़ाएंगे। यानी जो विद्युत प्रशंसा जो हमारा प्रसंग चल रहा था उसी विद्युत प्रसंग के अंदर जो है, विद्युत प्रशंसा के अंदर ही जो है आगे बढ़ाते हुए हम जो है इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में सत्संगति प्रशंसा हमने पढ़ी और स्वाभिमान प्रशंसा हमने जो है कल तक 23 नंबर जो पद है वहाँ तक हमने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से विद्युत प्रशंसा, सत्संगति प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, ये तीनों प्रसंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको साथ साथ में जो है सुनते रहें। उसी स्वाभिमान प्रशंसा के अंदर जो है आज ये 24वां जो पद है इसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, एक तो कुत्ते का उदाहरण दिया है और एक जो है हाथी जो है उसका उदाहरण दिया है, किस प्रकार से स्वाभिमान जो है वह व्यक्ति जो है उसको जीने की जो कला सिखाता है, या स्वाभिमान जो होता है वह धैर्यपूर्वक किस प्रकार से अपने जो है अपना स्वाभिमान जो है उसको व्यक्त करता है। तो कुत्ते और हाथी के उदाहरण के माध्यम से यहाँ तुच्छ और स्वाभिमान जो व्यक्ति है उसका क्या अंतर होता है, ये इसमें कहने का प्रयास किया। तो चलिए आइए आज हम अब इसकी शुरुआत करते हैं। लांगुल चालनम, लांगुल चालनम अदस्य चरणौ पातः पातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। श्वापिण्डदस्य पुरतः लंगुल चालनम अदः चरणौ पातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च कुरुते गजपुङ्गवः तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। अरे विद्यार्थियों, यहाँ पहले जो उदाहरण दिया है उस पहले उदाहरण के अंदर जो है कुत्ते का उदाहरण दिया, श्वा स्वाह स्वा यानी जो कुत्ता होता है उस कुत्ते के लिए कहा। श्वा पिंडद से पुरतः लांगुल चलनम, यानी कुत्ता जो होता है, जो भी रोटी देने वाला जो उसका मालिक होता है उसके सामने जो है वह पूंछ हिलाता है। और अदह चरणव पातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च कुरुते, और वह नीचे पैरों में गिर जाता है तथा भूमि पर गिरकर अपना मुंह है जो वह तथा पेट जो होता है वह दिखाता है। गज पुंगवह है तू, इसी प्रकार से यहाँ जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान का उदाहरण हाथी का उदाहरण देते हुए कहा। गज पुंगवह तू, यानी जो स्वाभिमान गजराज होता है वह तो क्या करता है, धीरम विलोकयति, यानी धीर गंभीर या धैर्यपूर्वक जो वह देखता रहता है। और जब उसको खाना जब खिलाया जाता है तो वह बहुत ही प्रिय वचन कहने पर चाटु सतई च भुंकते, यानी प्रिय वचन कहने पर जो है वह जो भोजन करता है। तो इस प्रकार से जो आपको मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनके अंदर जो है जब आप इनका अनुवाद कर दें तो अनुवाद करने के बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, आप इनको भी साथ साथ में जो आप पढ़ते रहें, साथ साथ में आप लोग जो है इनको देखते रहें। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ इस पद्य की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ जो अधः आ रहा है, यानी अधः चरणौ पातम भूमौ निपत्ते वदनोदरम दर्शनम च, तो अव्यय यदि हम छाटते हैं तो जैसे मान लो यहाँ च है, इसको हम अलग कर सकते हैं, यानी ये च अव्यय है, दो बार आया तो हम एक बार ही लिखेंगे, बार बार लिखने की इसको जो आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से दूसरी लाइन में जैसे मान लो भूमौ आया तो यहाँ सप्तमी जो है उसका हम रूप लिख सकते हैं, एक वचन का रूप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जैसे मान लो ये जो आपका धीरम विलोकयति ये आया, यहाँ हम जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से
प्यारे विद्यार्थियों, आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, और इसमें वसंत तिलका जो है वह है छंद है। अब हम अगला जो पद्य है उसकी ओर बढ़ते हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही 25वें पद्य के अंदर जो है, और कहा, परिवर्तनी संसारे मृत है को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। परिवर्तनी संसारे कह न मृत है, यानी इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कौन नहीं मरता है वा न जायते अथवा कौन नहीं पैदा होता है, स जाता है येन जातेन वंशम वंश समुन्नतिम याति। यानी वास्तव में जो इस पृथ्वी के ऊपर जो है कौन नहीं मरता और कौन पैदा नहीं होता, लेकिन वही वास्तव में उत्पन्न हुआ माना जाता है, कौन सा, यानी जिसके उत्पन्न होने से जो है सह जाता है येन जातेन वंश समुन्नतिम याति, यानी जिसके उत्पन्न होने से वंश जो है उन्नति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्वाभिमान प्रसंग जो हमारा चल रहा है उसमें साथ साथ में इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति इस संसार के अंदर आए हैं उनके संदर्भ में, उनके विषय में जो है ये बात कही, उनके विषय में ये जो बात जो है यहाँ कही जा रही है। जैसे मान लो हमारे बहादुर जो सैनिक हैं, हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके विषय में कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, तो ये बहुत सारे उदाहरण जो है यहाँ पर हम जो है इनके दे सकते हैं, इनके नाम हम गिना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें देखना क्या है कि परिवर्तनी संसारे कह न मृत है, यानी इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कौन जो है वह नहीं मरता, और कह वह न जायते अथवा कौन जो है वह पैदा नहीं होता, किंतु वास्तव में सह जाता है येन जातेन वंश समुन्नतिम याति। किंतु वास्तव में वही वास्तव में उत्पन्न हुआ माना गया या माना जाता है जिसके उत्पन्न होने से वंश जो है वह भी उन्नति प्राप्त करता है। चंद्रमा का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो एक चंद्रमा है वह संपूर्ण जो हमारा ये जो पृथ्वी लोक है उसको जो है किस प्रकार से जो है अच्छा अपनी जो चांदनी होती है उससे वह लाभान्वित करता है, सूर्य जो होता है किस प्रकार से अपने प्रकाश से ये सृष्टि जो इसका संचालन करता है, विटामिन डी जो है वह हमारे को उससे बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। महापुरुषों की यदि चर्चा करते हैं, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, हमारे जो है और जो महापुरुष हुए हैं उनके भी हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं, लाल बाल पाल है इनके भी नाम ले सकते हैं, हमारे जो अमर शहीद हुए हैं उनके भी हम नाम ले सकते हैं, सुखदेव है, भगत सिंह है इनके भी हम नाम ले सकते हैं, और भी हमारे जो जैसे ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है, इन सभी के हम जो है नाम ले सकते हैं। इसलिए ये साथ साथ में उत्पन्न होने से उनका जो वंश होता है वह भी उन्नति को प्राप्त करता है। यहाँ ये अनुष्टुप छंद जो है उसका ये उदाहरण है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पद्य के अंदर। ये वास्तव में पद्य जरूर छोटे हैं, यानी अनुष्टुप छंद के हैं, किंतु महत्वपूर्ण जो पद्य हैं ये परीक्षा के अंदर जो है आते रहते हैं, इसलिए आप इनको जो है भली प्रकार से देखें। अब अगला जो पद्य आ रहा है यहाँ पर हम जो है चर्चा करेंगे, यानी कुसुम तबकस्य द्वयी वृत्ति मनस्विन है मूर्धनी वा सर्वलोकस्य श्रीयते वन एव वा। कुसुम का मतलब पुष्प होता है, तबक का मतलब गुच्छा होता है। स्वाभिमान जो व्यक्ति होते हैं उनके विषय में कहा, कुसुम तबकस्य इव, यानी पुष्प का जो गुच्छा होता है उसके समान जो है मनस्विन है द्वयी वृत्ति ही, यानी स्वाभिमान जो मनुष्य होता है, स्वाभिमान मनुष्य का दो प्रकार का व्यवहार जो है वह होता है, सर्वलोकस्य मूर्धनी वा स्थयते वा मने एव श्रीयते, यानी या तो वह सर्वलोकस्य या तो वह जो है सभी जो लोग होते हैं उनके मस्तक पर रहता है यथार्थ उच्च स्थान प्राप्त करता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह जहाँ जिस भी पौधे के लगा है वह वहीं पर ही जो है नष्ट हो जाता है, श्रीयते अर्थात शीर्ण होकर के नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान जो व्यक्ति होता है उसके संदर्भ में भी जो है यही बात यहाँ पे जो है लागू होती है। यहाँ ये 26वां जो पद्य आया, यहाँ इसकी क्रम संख्या हम 27 पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी जो है वही बात आएगी, स्वाभिमान के संदर्भ में ही आएगी। पराक्रमी जो महापुरुष होते हैं वो अपने जो समकक्ष तेजस्वी लोग जो होते हैं उनसे ही टक्कर लेते हैं, इस प्रकार से कभी दुर्बल लोग जो होते हैं उन पर वो प्रहार नहीं करते हैं। संत्यन्यपि बृहस्पति प्रभृतीय है संभाविता पंचसा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि ही राहुल न वैरायते
द्वैवेव गृह्यते दिवाकर निशा प्राणेश्वर भास्वरौ भ्रातः है पर्वणि पश्ये दानवपति ही शीर्षव शेषा कृति। अन्य अपि बृहस्पति ही प्रभृति है, प्रभृति का मतलब होता है इत्यादि, यानी और भी बृहस्पति इत्यादि जो है बहुत सारे जो है ग्रह नक्षत्र ग्रह जो है वो विद्यमान है, संभाविता पंचशह ग्रह सन्ति, यानी और भी बृहस्पति इत्यादि दूसरे भी पाँच छः प्रसिद्ध जो ग्रह हैं, तथापि फिर भी विशेष विक्रम रुचि ही ऐसे है राहु तान प्रति न वैरायते। विशेष पराक्रम में जो रुचि रखने वाला राहु जो होता है उनसे जो है वह वैर नहीं रखता है। शीर्षावशेष आकृति ही, यानी शिरोभाग मात्र आकृति वाला यह दानवपति ही द्वो भासुरो, अर्थात यह दानवपति राहु जो है द्वो भासुरो, यानी सूर्य और चंद्रमा जो होता है, सूर्य और चंद्रमा निशा प्राणेश्वर एव पर्वणि गृह्यते। सूर्य और चंद्रमा ये दो तेजस्वी ग्रह जो है उनको ही जो है क्या करता है एव पर्वणि गृह्यते, यानी अमावस्या और पूर्णिमा का जो पर्व होता है उस समय जो है उनको ग्रसित करता है। हे भ्रातः है पश्ये, हे भाई ये है आप देखो। तो इस प्रकार से जब हम इसका ये जो अनुवाद कर देते हैं उसके बाद में जो है यह हम शार्दूल विकृति छंद ये तो बताएंगे, इनके अलावा यहाँ जो पहली लाइन के अंदर संति जोड़ अन्य जोड़ अपि, यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से हम इसका कर सकते हैं। यण संधि भी बता सकते हैं हम, पूर्व रूप संधि भी बता सकते हैं हम। इसके अंदर व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करने लग गया हूँ अभी यहाँ पे। तान आया स तव ते तम तव तान, तो उनको उनसे जो है ये यहाँ जो है सर्वनाम शब्द है उसका मूल शब्द बता करके आप इसमें कौन सी गति कौन सा वचन है ये बता सकते हैं। राहु आया, राहु के आगे न आया, दूसरी लाइन के अंदर सेकंड लास्ट शब्द यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो न यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ द्वावेव कृषते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः है पर्वणि पश्ये, दृश्य धातु पश्य आदेश हो जाता है इनको। तो बहुत सारी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इसके अंदर जो है हैं, मैं थोड़ा इशारा मात्र ही यहाँ पर कर पाऊँगा, चूँकि इसके माध्यम से सभी टिप्पणियों को जो है समझा पाना मेरे लिए थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा दुष्कर होगा, क्योंकि जब तक हम सामने नहीं बैठ पाते तब तक जो है इस प्रकार की बातें जो है आप लोग जो है थोड़े से अनभिज्ञ रहते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप ये जो वीडियो है सभी वीडियो देखें, और यदि कोई समस्या है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें।